तो अभी देखते हैं परमात्मा के गुणों के बारे में। तो हमने क्यों भगवान को इतना ज्यादा पूजा है, क्यों हम परमात्मा को, सुप्रीम पावर को इतना ज्यादा मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर इतने सारे क्वालिटीज है, इससे भी बहुत ज्यादा क्वालिटीज है, इसमें कुछ सिर्फ बताई हुई है। जैसे हम कहते हैं कि शांति स्वरूप, हम शांत स्वरूप आत्मा है, हम प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो हम तो सिर्फ माना एक नदी की तरह है, लेकिन वो जो है वो इन चीजों के सागर है, उनके अंदर ये सब क्वालिटीज बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हम उनसे कंसर्न जोड़ते हैं या योग जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हमारे अंदर वो सब क्वालिटीज आना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो शांति के दाता है, निराकार है, पतित पावन है, संगति दाता है, ज्ञान के सागर है, सबके सुख के दाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, माना त्रिमूर्ति है, पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं, नर से नारायण बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी वो हमें स्वर्ग में लेके जाते हैं, फिर वो सत चित आनंद स्वरूप है, परम पिता, परम शिक्षक, सदगुरु है, जीवन नया को पार ले जाने वाले हैं, क्योंकि वो हमें इस अधर्म की सृष्टि से निकाल धर्म की तरफ, माना सत्यों की स्वर्ग की दुनिया में लेके जाने वाले हैं, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं, सुख दुख हरता सुख करता है, जन्म मरण से न्यारे हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूरत हैं, गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि के दाता हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, ब्रह्मा द्वारा सत्यों की सृष्टि की स्थापना कराते हैं। जैसे आपने देखा कि शिव परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा बाबा में होता है, तो उनके द्वारा वो सत्यों की सृष्टि की स्थापना कराते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी पुरुष के वो बीज रूप है, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 800 करोड़ आत्मा है, तो सभी के सभी तो स्वर्ग में नहीं जाने वाले, सिर्फ 33 कोटि ही है जो स्वर्ग में जाने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप उस क्वालिटी की आत्मा हो, देवी देवता वाले, इसके लिए आप ये वीडियो सुन पा रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों तक ये वीडियो नहीं जाएगा। ऐसा हमने मैक्सिमम अनुभव किया है, वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के दाता हैं, क्योंकि उन्हें सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, माना सत्युग और त्रेता इसको स्वर्ग कहा जाता है, फिर द्वापर को मध्य कहा जाता है, और फिर कलयुग को अंत कहा जाता है, अंत के बाद फिर आदि होने वाली है, फिर शंकर द्वारा वो इस आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, दिव्य बुद्धि के दाता है, सुख दुख से खुद न्यारे हैं, क्योंकि उन्हें तो शरीर ही नहीं है, आनंद के सागर है। तो हमें जो भी क्वालिटी चाहिए होती है, बस हम उनके साथ जुड़ जाए तो हमें ये सब क्वालिटीज अपने अंदर भी प्राप्त हो जाती है। तो जो परम पिता शिव परमात्मा है, जो कि हम सभी आत्माओं के पिता है, जो स्वयं में इतने सर्वश्रेष्ठ है, वो खुद हमारे लिए उस परम धाम, इतने परे से परे जो धाम है, उस धाम से पृथ्वी पर आते हैं, और हम आत्माओं के साथ तीन रिलेशंस प्ले करते हैं। वो पिता बनकर हमें वर्षा देते हैं, स्वर्ग की विरासत देते हैं, और वहां जाने के लिए टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं, ताकि हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण थे वो वापस से री इमर्ज हो जाए, और जैसे ही हम उन गुणों में फुल फॉर्म में वापस आ जाएंगे, तो हमें वो सदगुरु बनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। तो इसी तरह से जो हम आत्माओं के पिता हैं, वो हमारे साथ तीन रिलेशंस प्ले करते हैं, एक है पिता, फिर है टीचर, फिर है सदगुरु। तो अभी वो रहते कहाँ है ये परेते परे वाला परम धाम, इसके बारे में जानते हैं। फिर परमात्मा रहते कहाँ है, और हम आत्माएं कहाँ पे रह रही है? तो यहाँ पे तीन लोग बताए हुए हैं, एक है साकार लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक।
साकार लोक जहाँ पे हम पृथ्वी पर आत्मा रहती है, और एक स्काई ब्लू कलर का जोन जहाँ तक रहेगा, माने जहाँ पे हमारा ये हड्डी मांस का शरीर जा रहा है, वो उस दुनिया को कहा जाता है साकार लोक। इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉर्पोरल वर्ल्ड। फिर ऊपर है सूक्ष्म लोक, जिसे कहते हैं सबटल वर्ल्ड, जो हम जैसे हल्दी कुमकुम हमेशा लगाते हैं, तो हल्दी कुमकुम का मतलब ये होता है कि हम मेरा ये जो स्थूल शरीर है वो यहाँ पे पृथ्वी पर है, लेकिन मेरी एक दुनिया सूक्ष्म मतलब में है। हल्दी का मतलब कि येलो कलर का जोन है, और रेड का मतलब, कुमकुम का मतलब है कि उससे भी ऊपर एक दुनिया परम धाम है। तो हम आत्माओं को ये स्मृति रहती है, लेकिन हम विस्मृत हो जाते हैं, तो वही विस्मृति को वापस से स्मृति में कन्वर्ट करने के लिए शुभ परमात्मा का अवतरण होते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे तीन लोक है, साकार लोक है, सूक्ष्म लोक है और ब्रह्म लोक है। तो मेरा जो रहने का स्थान है वो है ब्रह्म लोक। इसी को अलग अलग नामों से धर्मों में लिखा हुआ है। जिसको जो भी चाहिए उस अनुसार वो इसको नाम देता है। जैसे किसी को शांति चाहिए तो वो कहेगा शांति धाम, किसी को मुक्ति चाहिए वो कहेगा मुक्ति धाम, जिसको निर्वाण चाहिए वो कहेगा निर्वाण धाम, जिसको ब्रह्मांड में जाना है वो कहेगा ब्रह्मांड। तो इसी स्थान के, एक स्थान के डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है परम धाम। तो परम धाम ये उनका दिया हुआ वर्ड है, क्योंकि परम धाम माना परे से परे, माना जो बहुत बहुत दूर है, सबसे ऊंचे वो धाम जहाँ पे हम सब आत्माएं रहते हैं, और वही हम आत्माओं का घर है। तो हम देख सकते हो, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। जिस तरह से सूरज जो है वो पृथ्वी से थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, तो उसकी वजह से उसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर आती है, माना आधा दिन अपने भारत की तरफ रहती है और आधा दिन दूसरे साइड में रहती है, माना उसकी किरणें तो पूरे टाइम पृथ्वी पर आ ही रही है। तो उसी तरह से, क्योंकि वो एट लार्जर डिस्टेंस है, थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से उसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर आती है, लेकिन अगर वो बहुत पास हो जाता है तो पूरी पृथ्वी को नहीं कवर कर पाता, वो थोड़े से एरिया में वो अपनी किरणें स्प्रेड कर पाता। उसी तरह से हम जो परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, वो परमात्मा परे से परे धाम में रहता है, तो उनकी जो किरणें हैं वो पूरी पृथ्वी पर आती है, लेकिन उनका रहने का जो स्थान है वो है परम धाम। लेकिन हमने कह दिया है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन उनका कहना है बच्चों मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, अगर मैं सर्वव्यापी होता तो मैं कुत्ते बिल्ली चूहे सब में होता, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर उन सब चीजों में परमात्मा वास करते हैं तो आप बच्चों को मुझे बुलाने की जरूरत ही क्या पड़ती, कि हे पतित पावन आओ मुझे पावन बनाओ, कहते हैं ना पतित पावन सीता राम। तो राम माने उन परमात्मा का ही हम नाम बोलते हैं, तो उनका खुद यहाँ पे अवतरण होता है। तो वो कहते हैं कि अभी जो आपकी लिंकिंग है, जो आपने पृथ्वी के ऊपर ही जोड़ दी है, क्योंकि जब भी हम किसी धर्मात्मा को याद कर रहे हैं या देवात्मा को याद कर रहे हैं, तो वो सभी लोग तो पृथ्वी पर ही है, तो हमारी बुद्धि की लिंकिंग, हमारा कनेक्शन जो जुड़ना चाहिए परमात्मा के साथ वो नहीं जुड़ पाता है। जिस तरह से चार्ज से मोबाइल को कनेक्ट करो और प्रॉपर एनर्जी सोर्स ना हो तो बैटरी चार्ज तो होगी लेकिन पूरी तरह से चार्ज नहीं होगी, सिर्फ 1% होगी या 2% होगी, लेकिन फुल्ली अगर चार्ज करनी है तो उसको प्रॉपर सोर्स से ही कनेक्ट करना होता है। तो इसीलिए इस वक्त पर्टिकुलरली ये जो वक्त है संगम युग का, यही पे आपको परमात्मा के साथ आपकी बुद्धि की तार को जोड़ना है। बाकी टाइम पे तो आप पृथ्वी पर ही लिंक करने वाले हो, लेकिन ये जो वक्त है बहुत कम समय बचा हुआ है, उसी समय में आपको परमात्मा को याद करना है। तो ये हो गया ब्रह्म लोक, और सूक्ष्म लोक जो है ये वक्त बाय वक्त क्रिएट किया जाता है, जिसे ब्रह्म